ओके, अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब एक लाइन पे लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी हमने स्कैटर प्लॉट बनाया। स्कैटर प्लॉट में हमने डाटा के पॉइंट्स को भी शो कर दिया है और फिर हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब हमने ये देखना है कि उस लाइन के ड्रॉ करने का फायदा क्या है, हम उस उसका क्या उससे हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। हमने अब ये देखना है कि जो डाटा के पॉइंट्स हैं वो कितने सेपरेट हैं, या उस लाइन से वो कितने दूर दूर है, यह हमें देखना है। और उसको देखने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी वो डिपेंड करती है वेरिएंस पे, और वेरिएंस डिपेंड करता है मीन पे, और मीन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो होता है स्क्वेयर रूट ऑफ द वेरियंस के। वेरियंस का स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन शो क्या करेगी, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, कि अगर हम मीन से स्क्वेयर डिफरेंस ले लेंगे, एवरेज स्क्वेयर डिफरेंस ले लेंगे, दैट विल शो द वेरिएंस। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमारी वो HCI की भी क्लास है आज ना 3 बजे। ठीक बच्चे वो सर को बता दिया, सर को, सर ने कहा ठीक है मैं बाद में ले लूंगा। जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। अब वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है कि हम हर डाटा पॉइंट से हम मीन को सबट्रैक्ट करते हैं और फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं। उसके स्क्वायर लेने के बाद उसकी एवरेज एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट मीन ऑलरेडी हम मीन देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कि एक वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें शो क्या करेगा। ये डॉग्स नजर आ रहे होंगे सबको, ठीक है। अब इसमें इनकी जो हाइट्स है वो लेफ्ट साइड पे हर वर्टिकली शो है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो उसकी हाइट है उसके शोल्डर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर डॉग की। तो एक एक डॉग की जो हाइट है वो 600 मिलीमीटर है, सेकंड की 470, थर्ड की 170, दूसरे की एक और की 430 है कि 300 मिलीमीटर है। अब हमने मीन कैलकुलेट करना है, इसकी वेरियंस कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। और हमने ये अब कैलकुलेशन तो हम किसी भी बिल्ट इन मेथड से कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमने आपने नहीं देखनी, आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि हम ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, आपने ये अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। ओके जी, ये हमारे पास नंबर्स आ गए और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही वेरिएबल टाइप का डाटा, 600, 470, 170, 430, 300। तो कौन सा मीन बेहतर रहेगा? अरिथमेटिक मीन चल जाएगा इस पे, यस ठीक हो गई। जी सर, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 394 आ गई। अब इस 394 पे हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस जो हमें एवरेज लाइन को शो करेगा। तो ये आप ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये आप ये समझे, ये 394 हाइट पे लगा दी हमने, कि एवरेज हाइट जो है वो डॉग्स की इस 394 पे है। अब हमने ये देखना है कि जो वेरिएंस है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा। अब हमने कैलकुलेट कर लेते हैं, नाउ वी कैलकुलेट ईच डॉग्स डिफरेंस फ्रॉम द मीन। इस लाइन से जितने डॉग्स हैं उनकी हाइट का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुछ इस लाइन से ऊपर है, कुछ इस लाइन से नीचे हैं, उनका डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो 600 हाइट वाला था उसका 206 डिस्टेंस है, जो नेक्स्ट था उसका 76 डिफरेंस है, एक का 36 है, एक का -94 है, एक का -24 224 है। तो ये हमने उनके डिफरेंस कैलकुलेट कर लिए। अब इन डिफरेंसेस को आपने स्क्वेयर करना है और एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है। अगेन हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हाइट्स, ये हमारे पास डाटा गिवन है। इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि इनकी एवरेज देखनी है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ गया था 394। 394 पे हमने ये ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी।
अब हमने हर डॉग की इस मीन से डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल पहला डिफरेंस है 600 माइनस 394, दूसरा हमारे पास वैल्यू आ रही है 470, तो 470 माइनस 394, तीसरे की हाइट थी 170, तो 170 माइनस 394 माइनस 170. फोर्थ डॉग की हमारे पास ये जो नीचे वाला था बिल्कुल नीचे पड़ा है हमारा डॉग. इसी तरह ये जो फोर्थ डॉग है उसकी हाइट थी 430 माइनस 394 वो कैलकुलेट कर लेंगे. जो लास्ट डॉग है उसकी है 300, तो 394 माइनस 300 करके उसका भी डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. डिफरेंस लेने के बाद हमने ये हमारे पास डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं सारे. अब इनका हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके इनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेना. स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 206 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, माइनस 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, माइनस 94 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5. जब ये कैलकुलेट की तो हमारे पास वेरियंस आ गया 221,704. ये अभी हमने वेरियंस कैलकुलेट किया है. अगेन हम वेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक पता होना जरूरी है, बाकी कैलकुलेशन हमने करनी नहीं है. कि हमने जो हमारे पास डाटा गिवन होता है उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं और उस एवरेज से हर डाटा पॉइंट को सेपरेट कर लेते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेके टोटल नंबर में डिवाइड करते हैं. ये हमें वेरियंस आ जाता है. तो इस वेरियंस का जब अंडर रूट लेंगे ये आगे वेरियंस आ गया. अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ना लेते तो क्या होता, यानी स्क्वायर रूट ना ले तो क्या होता? फिर हम ये कह सकते हैं वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम चीजें हुई, ठीक है. लेकिन स्क्वायर रूट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास कोई नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आ जाए, कोई विद इन रेंज वैल्यू आ जाए. क्योंकि आप वेरियंस देख चुके हैं 21,704 है. जब इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ली, इट मीन इसका स्क्वायर रूट लिया, तो वो हमारे पास आ गया है 147 अप्रोक्सीमेटली. ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. अब हमने ये देखना है कि ये हमें शो क्या कर रहा है. The good thing about the standard deviation is that it is useful. Now we can show which heights are within one standard deviation. कि कितने dog ऐसे हैं जो इस 147 difference पे हैं, plus भी और minus भी. फिर हम इसी तरह देखेंगे कि average से 147 multiply by 2. टू स्टैंडर्ड डेविएशन से कितने डिस्टेंस पे हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं. इसी तरह माइनस साइड पे भी देखेंगे. तो ये हमें ये बताएगा कि जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं वो इस एवरेज से कितना कितना सेपरेट है, क्या बहुत ज्यादा दूर दूर है या विद इन रेंज आए हुए हैं. तो जब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे तो यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव स्टैंडर्ड वे ऑफ नोइंग व्हाट इज नॉर्मल and what is extra large or are extra small. यानी इस की बेस पे हम अगर इसको लेबल करना चाहें तो कैसे लेबल कर सकते हैं कि कौन सा सपोज नॉर्मल है, कौन सा एक्स्ट्रा लार्ज है या एक्स्ट्रा स्मॉल है. तो अगर कोई 147 की रेंज में आ रहा है तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे. इट मीन एवरेज मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो इस रेंज में आएगा उसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे. इसी तरह मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन जो इस डिफरेंस में आएंगे उनको भी हम नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे. जो मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल कंसीडर कर लेंगे. तो इस तरह हम लेबलिंग करने में हम अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को और वेरियंस को और मीन को यूज कर सकते हैं. और दूसरा हमें यह भी यहां से अंदाजा हो जाता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इस एवरेज से लाइन से कितने कितने दूर है, तो वो भी हमें इस स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कर्व देखते होते हैं जिसको हम बेल शेप्ड कर्व कहते हैं. कोई बता सकता है इसको बेल शेप कर्व क्यों कहते हैं?
स्क्यूनेस की वजह से, इट्स हाईली स्क्यूड। इसकी बेसिकली जो शक्ल है ना वो बैल की तरह है सर, वो बुल का जो ऊपर वाला होता है हिस्सा, वो उसकी तरह है, इसको इसलिए बैल कहते हैं। मैंने कैमल लाइक कैमल, दोनों साइड की सेम, इसलिए ये स्लाइडर साइड आर सेम। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्लाइड नजर आ रही है जी सर? ओके, ये आप देखें, ये एक बैल बैल नजर आ रही होगी यहाँ पे आपको, क्योंकि इसकी शेप इस बैल की तरह होती है, इसलिए इसको बैल शेप कर्व कहते हैं। जी सर, क्लियर हो गया जी? ये आगे जाके आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये बैल शेप कर्व यूज करनी पड़ती है अपने डाटा को प्लॉट करने के लिए, तो कोई कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इसको हम बैल शेप क्यों कहते हैं, ठीक है? तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो शेप बनती है वो बैल की तरह बनती है, इसलिए हम इसको बैल शेप कर्व कहते हैं। और बैल के अंदर हमारे पास ये जो दरमियान में जहां पे इसको लटकाया होता है वो मिडल पॉइंट होता है, जिसको हम मीन कहते हैं, जिसको हम मीन या जिसको एवरेज पॉइंट कहते हैं। और उसके हम देखते हैं कि उसके जो राइट साइड पे कितना है और लेफ्ट साइड पे कितना है, तो जितना जितना पॉइंट्स होगा उसी हिसाब से इसको हम, मसलन ये इसकी लाइन है, एवरेज की लाइन है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आ जाता है मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ पॉइंट्स हमारे इस रेंज में आ जाते हैं, और इसको हम अगर ड्रा करें नीचे तक तो यहां तक आ जाते हैं। अभी भी ये एरिया जो है, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आउटसाइड लाई कर रहे हैं, ये कहां पे लाई करेंगे? ये आ जाते हैं मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टू की रेंज में आ जाते हैं, ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस टू और ये माइनस टू, जो आपकी एवरेज लाइन होती है मीन की लाइन, उससे कितने जो पॉइंट्स है वो कितना दूर है, कितना स्प्रेड आउट है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं डेविएशन की बेस पे, कितना डेविएट कर रहा है कि एवरेज लाइन से वो कितना डेविएट कर रहा है, यही हमने इससे अंदाजा लगाना होता है। तो इसको ना हम प्लॉट करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, के पॉइंट्स जो हमारे डाटा के पॉइंट्स जब स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट हो जाते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की बन रही है जी, कि क्या वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं या वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आ रहे हैं। तो जब उनको हम प्लॉट करते हैं स्कैटर प्लॉट के अंदर, तो उनकी जो शक्ल बनेगी उसको हम, उसकी बेस पे हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं। तो अगर इस टाइप के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है जिसकी शक्ल बेल शेप है, इसको हम बेल कर्व कहते हैं। और ये हिस्टोग्राम का डाटा है, ये हिस्टोग्राम का डाटा है, जब इसको हम एक लाइन ऊपर ड्रा कर देते हैं और उसकी शक्ल बेल टाइप बनती है, तो इसको हम बेल कर्व कह देते हैं या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। अच्छा, हम थे स्कैटर प्लॉट पे, स्कैटर प्लॉट पे। तो जब हम पॉइंट्स को ड्रा करते हैं स्कैटर प्लॉट पे, तो उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी जो कोरिलेशन है आपस में टू पॉइंट्स की, वो किस टाइप की बन रही है। तो उसके लिए हम देखते होते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन ये शो करता है कि दो वेरिएबल्स हैं तो उनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप का, क्या कोई आपस में रिलेशनशिप भी है या नहीं है। तो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स ड्रा होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे आप शक्ल देख सकते हैं इसकी। सब किसी का माइक ऑन है,
अच्छा जी, ये डिफरेंट आपको ग्राफ्स नजर आ रहे हैं कि जो जब डाटा के पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं तो वो किस टाइप के प्लॉट होंगे। लेफ्ट मोस्ट पे आप देखेंगे जब हम प्लॉट करते हैं तो जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल इंक्रीज हो रहा है वर्टिकली भी डाटा उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सम टाइम अगर लेफ्ट राइट मोस्ट देखेंगे, जैसे जैसे एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं उसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। कि अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज अगर इंक्रीज होगी तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक चीज इंक्रीज हो और दूसरी चीज डिक्रीज हो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और सम टाइम कोई रिलेशन आपस में इनका नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये सेंटर में आपने देखा होगा जीरो वाला, जहां पे ये सारे पॉइंट्स डिफरेंट लोकेशन पे स्प्रेड है, तो इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। सर प्लीज सर इमरान सर सर याद होगा आपको सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वन और पॉजिटिव वन और माइनस वन के दरमियान जो कर्व्स बने हुए हैं सर, जब हम इसको 0.9 के ऊपर जाते हैं तो क्या जो पॉजिटिव टेंडेंसी है वो बिलो द लाइन आएगी कि अबव द लाइन आएगी, एंड ऐसे ही जब माइनस 0.9 में आते हैं तो क्या जो इसके बिखरने की या इसके स्कैटर्ड होने की टेंडेंसी जो है वो बिलो द लाइन आती है या अबव द लाइन आती है सर? बिलो और अप को हम नहीं डिसाइड कर सकते कि मसलन जो 0.9 वाली लाइन है इसमें हम जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ना एवरेज ये होता है कि जो ऊपर अप लाइन के अप है और डाउन है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 0.9 का मतलब है कि जो लाइन से ऊपर ज्यादा पॉइंट्स होंगे और डाउन उससे कम होंगे। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि वो सिर्फ डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है और downward, उसकी टेंडेंस डाउनवर्ड होगी। पॉइंट्स जो है ना वो ज्यादा स्प्रेड है जी। मसलन वन जो है ना वो ये परफेक्ट कोरिलेशन शो कर रही है, जैसे जैसे वो डिक्रीज हो रही है ना पॉइंट्स आपस एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो गए। आप देखेंगे अच्छा मतलब सर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो भी वो ट्रेंडिंग लाइन है उसमें कुछ आधे ऊपर आएंगे कुछ नीचे आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बेसिकली जो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना वो लाइन ड्रॉ ऐसे करनी पड़ती है कि हमारा जो कुछ पॉइंट्स ऊपर आने चाहिए कुछ पॉइंट्स नीचे आने चाहिए। ये ना हो कि सारे पॉइंट्स उससे ऊपर आ रहे हो ये सारे पॉइंट्स उससे नीचे आ रहे हो, उसको फिर हम परफेक्ट उसको ना फिर परफेक्ट लाइन निकाल हम ड्रा करते हैं। अभी हमने जो पिछला लेक्चर देखा है उसमें हमने यही कहा था कि लाइन जो है ना लाइन वो भी हमने ड्रा करनी है और लाइन कहाँ पे ड्रा करनी है, क्या हम इन पॉइंट से ऊपर कर दें या इन पॉइंट से नीचे कर दें या इन पॉइंट के सेंटर में ड्रा करें। तो लाइन ऐसी ड्रा हो जो उन पॉइंट के बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब मसलन ये परफेक्ट कोरिलेशन वाला है जो लेफ्ट मोस्ट है, इस पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब 0.9 वाली पे करते हैं तो कुछ पॉइंट्स उसके ऊपर आएंगे कुछ नीचे आएंगे कुछ ऊपर आएंगे। 0.5 वाले को देखते हैं, यहाँ पे लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। लो पॉजिटिव कोरिलेशन मीन कि लाइन ड्रॉ करेंगे कभी कुछ पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं कुछ ऊपर ज्यादा स्प्रेड है उनका, यानी इसका मतलब यह है कि कभी कुछ पॉइंट्स पे जब एक पॉइंट डाटा पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो कुछ पे उसका दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और कहीं पे वो इंक्रीज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ये पॉइंट देखता हूं ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पे x एक्सिस सपोज 0 था, यहाँ पे x एक्सिस सपोज 1 है, यहाँ पे x एक्सिस 2 है, ठीक है। x एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज हुई है यहाँ पे 1 से 2 हुई है, लेकिन y एक्सिस पे क्या वैल्यू इंक्रीज हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई, सेम है।
ठीक है, ये लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम इस लाइन को देखते हैं, इस लाइन को, तो यहां पे सारे पॉइंट्स जैसे ही एक्स एक्सिस इंक्रीज होता है, y एक्सिस उसका इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर एक एक्स का एक डाटा पॉइंट भी चेंज हुआ ना, तो y एक्सिस की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ये हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कि हर x के एक पॉइंट के अगेंस्ट y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन लो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि किसी x पे एक जो इंक्रीज हो रहा है, कभी वो y एक्सिस उस पे इंक्रीज हो रहा है, कुछ पॉइंट्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो 0.5 का मतलब यह है कि 50% जो है वो पॉइंट, अगर x एक्सिस इंक्रीज हो रहा है तो उसका y एक्सिस भी 50% इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 50% ऐसे ऐसे डाटा पॉइंट्स है जिनका जिनका इससे रिलेशनशिप नहीं बन रहा कोई, इसलिए इसको 0.5 यहां पे शो किया गया। सर हमने जो डॉग वाली एग्जांपल देखी थी वो लो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा? वो लो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। अब वो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से अप भी थे, डाउन भी थे, ठीक है। दो डॉग ऐसे थे जो अप थे और तकरीबन दो डॉग ऐसे थे जो नीचे थे, ठीक है। तो उसको हम यानी कि कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली हमने लाइन ड्रॉ की थी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती थी। तो जब हम पॉजिटिव कोरिलेशन देखते हैं तो एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा होता है, उस केस में एक्स एक्सिस इंक्रीज नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई एक्सिस हमने कहा था कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन में नहीं आएगा, वो लो पॉजिटिव कोरिलेशन में आएगा। ओके नेगेटिव कोरिलेशन मीन कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू उसके अगेंस्ट डिक्रीज होगी, तो ये लाइक ये है नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहे हैं। तो हमें डाटा की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी कोरिलेशन देखनी पड़ती है। लेकिन कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोरिलेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन। तकरीबन 80% रिसर्च पेपर्स में जस्ट एक टर्म वो लिख देते हैं कि वी हैव कैलकुलेटेड बाय कोरिलेशन बाय यूजिंग पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है। अब पियर्सन कोरिलेशन की हम डिटेल अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर नहीं देते, तो हमें यहाँ पे आज देख लेते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो सपोज ये हमारे पास एक आइसक्रीम की जो एग्जाम्पल हमने ली थी, अगर वो देखते हैं तो ये कौन सी रिलेशन बनेगी? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी सेल भी इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि जी द रिलेशनशिप इज गुड बट नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है। इसमें जो कोरिलेशन आ रही है वो 0.9575 आ रही है। अब 0.95 कैसे, ये कैलकुलेट कैसे हुई, ठीक है, यानी 100% क्यों नहीं है? क्योंकि 100% तब होती, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये डिक्रीज हो गई है, ठीक है। यानी 22 पे उसकी सेल ज्यादा थी लेकिन 23 पे जाके उसकी सेल कम हुई है। सर इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर के अलावा भी कोई फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है? वो भी है, वो भी है। इसमें अभी हम इस डेटा के पॉइंट से हम कह रहे हैं कि इस ये 100% परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है जो हमने लाइन ड्रा की थी, कि हम 100% परफेक्ट कोरिलेशन तब होती कि सारे डाटा पॉइंट्स उसके ऊपर लाई कर रहे होते। इस लाइन के ऊपर अगर सारे डाटा पॉइंट्स आ जाते हम इसको परफेक्ट कोरिलेशन कह देते और इसकी जो कोरिलेशन होती 1 होती। अभी हमने ये नीचे लिखा है कि इसकी जो कोरिलेशन है वो 0.95 है, 95% परफेक्ट कोरिलेशन है इसकी। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस तरह ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे हैं जो उसकी परफेक्ट इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है,
इट मीन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से डेविएट करते हैं उससे। अब ये 95 कैसे, हम कैसे कह सकते हैं ये 95 है, इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए हम पेयर्स एंड कोरिलेशन यूज करेंगे। टाइम खत्म हो रहा है इसका अगेन। सर 5 मिनट है, 5 मिनट्स है जी सर, आ रही है सर। ठीक हो गया। अच्छा ये अब आपने जो कहा है ना कि इसके 90 कितने परसेंट ये कोरिलेट है, तो हमने अभी यहाँ पे ये लिखा है इनफैक्ट द कोरिलेशन इज 0.95। अब ये कैलकुलेट कैसे होगी, बाय यूजिंग पेयर्स एंड कोरिलेशन फार्मूला। ये जो मैंने कहा था ना कि समटाइम हीट वेव आ जाती है, तो हीट वेव से लोग आउटसाइड नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो उसकी जो सेल होगी वो डिक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे ये पैटर्न शो कर रहा है कि उसकी जो सेल है वो डिक्रीज भी हो सकती है विद द पैसेज, एक खास लिमिट से जब 30 से ऊपर टेम्परेचर गया या 35 से ऊपर 32 से ऊपर टेम्परेचर गया है तो उसकी जो सेल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। तो ये फैक्टर भी उसमें आगे जाके हमें देखने पड़ेंगे। अच्छा अब हम देख लेते हैं ये कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। कोरिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग वेरी फेमस फार्मूला दैट इज नोन एज पेयर्स एंड कोरिलेशन। इसके सिंपल ये लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, दोनों एट्रीब्यूट्स के मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन ऑफ एक्स फ्रॉम एवरी एक्स वैल्यू, और हर y की जो मीन होगा उसको हर दूसरे पॉइंट से उसके पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे a और b का आपस में प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, a का स्क्वायर ले लेंगे b का स्क्वायर ले लेंगे हर पॉइंट का, फिर इनको सम कर लेंगे, सबको सम कर लेंगे और एट द एंड उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कंप्लीट उसकी एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व है। ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये सेल है। जब इसको हम सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है एवरेज, तो टेम्परेचर की एवरेज ये है और सेल की टेम्परेचर एवरेज ये है, हर पॉइंट में से एवरेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन 14.2 - 18.7, 16.4 - 18.7। तो इस तरह ए कैलकुलेट किया, बी कैलकुलेट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ए का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, बी का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, इनकी एवरेज कैलकुलेट कर ली, ए बी की एवरेज कैलकुलेट कर ली, ए स्क्वायर की एवरेज कैलकुलेट कर ली, बी की स्क्वायर की एवरेज कैलकुलेट कर ली। अब इसको यूज करके हमने इस फार्मूला में पुट कर देना है। इस फार्मूला में ये पेयर्स एंड कोरिलेशन का फार्मूला है, एक्स माइनस ये पेयर्स एंड कोरिलेशन का फार्मूला है एक्स माइनस एक्स ये प्राइम लिखा हुआ है, इट मीन ये एवरेज वैल्यू शो कर रहा है उसका, वाई माइनस वाई की एवरेज, ये सारे सब्ट्रैक्ट करके सम कर लेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स की एवरेज उसका स्क्वायर ले रहे हैं, और वाई माइनस वाई एवरेज उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट लेते हैं। जब इस फार्मूले के तहत इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो कोरिलेशन है वो 0.9575 आ रही है। तो ये हमें बता रही है कि ये 100% परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन है, कुछ 95% तक ये पॉजिटिव कोरिलेशन आपस में शो कर रहे हैं डाटा ऑफ द पॉइंट्स। 5% ऐसे हैं जहां पे इनकी आपस में जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव नहीं है। इसकी ये अंडरस्टैंडिंग हम इससे अचीव करेंगे।